हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है आकांक्षा, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 974 इन गेट 2022 कंप्यूटर साइंस पेपर। तो आकांक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेल थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वेलकम हियर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड हेल्पिंग मी थ्रू आउट माई जर्नी। तो आकांक्षा, जब आपने रिजल्ट देखा गेट का तो कैसा लगा, क्या एक्साइटमेंट या क्या फीलिंग थी, थोड़ा बताइए। सर आई थिंक नाइट को 9:30 पे 11:30 पे रिजल्ट आया। आई वाज सो मच हैप्पी, घर पे सब सो रहे थे। आई वाज लाइक उठाऊं क्या, उन्हें एक्सप्लेन करूं क्या, बट आई मैंने किसी तरह कंट्रोल किया। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock पे मम्मी मेरे पास आई, शी वाज लाइक उठो 6 बजे। मैं बोली मम्मा आज तो सोने दीजिए, यू नो रात को रिजल्ट आया एंड आई गॉट 974 रैंक। सो उस टाइम मम्मी पापा सब एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग माय ग्रैंड पेरेंट्स, सब ने कॉल करना स्टार्ट किया, अरे बेटा ये सब एंड ऑल दैट। इट वाज लाइक आई वाज ऑन अनदर लेवल, ऐसा फील हुआ। खुद से ज्यादा खुशी, जब ज्यादा खुशी तब होती है yes, जब sir. अपन पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी देखते हैं तो ज्यादा खुशी होती है, राइट? यस सर वो तो है। लाइक मम्मा पापा वाज लाइक कि तुम आई तो हमें लगा कि हाँ, बच्चे के अचीवमेंट से कैसे पेरेंट्स को अचीवमेंट मिलती है वो तुम्हें देख के हमें लग रहा है, बस ऐसे ही करते रहो। बिल्कुल। आपने एक और एग्जाम आपने क्रैक किया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यस सर, बीआरसी एग्जाम। सो वो आफ्टर गेट 2021 मैंने लाइक सितंबर में फॉर्म भरा था बीआरसी का। आई वाजंट श्योर कि मेरा होगा, बट सिंस आई हैव नॉलेज, कंसेप्ट का नॉलेज था ही एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट 22, तो वो बीआरसी भी क्रैक्ड हो गया। जब रात को रिजल्ट आया, आई वाज अटेंडिंग योर लेक्चर्स ऑफ टीओसी, बट माय सीनियर मैसेज्ड मी कांग्रेचुलेशन आकांक्षा। आई वाज लाइक ये अचानक से किस चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करे। ही टोल्ड मी दैट यू हैव गॉट सेलेक्टेड फॉर बीआरसी इंटरव्यू, अंडर 100 आई हो तुम। सो आई चेक्ड माय नेम, बट इन हरी आई वाजंट एबल टू फाइंड माय नेम। तो आई वाज लाइक सर मुझे तो मेरा नेम नहीं मिल रहा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो फिर उन्होंने मुझे फोटो भेजी कि सी इट्स यू। सो दैट फीलिंग एंड दैट वॉज माई फर्स्ट अचीवमेंट, लाइक पहली बार वो उतना रिकॉग्निशन मिला। इन आई एम आई वॉज हैप्पी, आपने स्टेटस डाला था, सबने डाला था। सो दैट वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट जो मेरे लिए पहली बार थी एंड दिस वन वॉज वन मोर। जैसे पेरेंट्स को खुशी होती है ना, ऐसे ऐसे हमें भी खुशी होती है जब हमारे स्टूडेंट्स ऐसे अचीव करते हैं। तो जब आपने बताया था कि आपने बिहार से एग्जाम क्रैक किया है तो बहुत खुशी हुई थी। मैंने हर जगह ऐसे स्टेटस डाला था कि आवर स्टूडेंट आकांक्षा हैज क्रैक बिहार से एग्जाम, तो बहुत खुशी होती है। कोई भी अगर आप इन फ्यूचर भी अगर आप कोई चीज अचीव करेंगे, कोई भी सक्सेस आपको मिलेगी तो हमें जरूर बताना, हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो आकांक्षा थोड़ा सा आप अपने बारे में और अपनी जो गेट की जो प्रिपरेशन जर्नी है उसके बारे में थोड़ा बताइए, ताकि लोगों ताकि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको भी पता चले कि आपने कैसे प्रिपेयर किया। सर बेसिकली द आइडिया टू गिव गेट एंड गेट इनटू आईआईटी वाज लॉन्ग बैक। जब मेरा आईआईटी जेई में आई वाजंट एबल टू क्रैक एडवांस, सो आई वाज लाइक कि जो इस टाइम नहीं हुआ बट मुझे मेरे मास्टर्स टाइम पे मुझे वो आईआईटी चाहिए, आई हैव टू डू इट। मोर ओवर लर्निंग, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न, मुझे पढ़ना था, एक अच्छी प्लेस से अच्छे लोगों से पढ़ना, उनसे इंटरेक्ट करना वॉज माई ड्रीम। सो वो तब मैंने सोचा था, बट लेटर ऑन आई वेंट इन टू अ कॉलेज इन माई प्लेस छत्तीसगढ़ ओनली, श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वहाँ मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक मैंने ज्वाइन किया। सो कॉलेज डेज में इन थर्ड ईयर आई गेट कम्प्लीटली फोकस्ड कि अब मुझे गेट की प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट करनी है, क्योंकि मेरा वो प्राइम गोल था, मुझे कहीं और नहीं जाना था या मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं था। सो देन आई गेव गेट 2021, बट दैट वॉजंट वॉट आई एक्सपेक्टेड। मोर ओवर लेटर ऑन आई रियलाइज कि जो नॉलेज गैप था वो चीज़ थी मेरे अंदर, उतना प्रॉपर नॉलेज नहीं था, मेरी मिस्टेक्स थी। सो मैंने तभी प्लान कर लिया कि मुझे गेट 2022 देना है। सो बेसिकली इन मार्च 21
आई डिसाइडेड हाँ अब मुझे प्रॉपर ड्रॉप लेके मुझे वापस से प्रिपेयर करना है. सो आई मेड अ प्रॉपर रोड मैप लाइक किस मंथ में मुझे क्या कंप्लीट करनी है, कितने एक्सटेंट तक कंप्लीट करनी है, मेरा रिविजन स्ट्रेटेजी कैसा होगा. एक रफ रोड मैप था बिकॉज क्योंकि एक रोड मैप के बाद ना आपको आइडिया लगता है कि कब कब आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, वरना एक क्लूलेस पर्सन की तरह प्रिपेयर करने से कभी तुम पढ़ भी रहे हो और यू वोंट अचीव अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी ना हो तो. सो आई दैट टाइम आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. मैंने सी से स्टार्ट किया, प्रोबेबिलिटी पढ़ी, फिर एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. बट ना प्रॉब्लम वाज दैट कि एक डिसिप्लिन नेचर नहीं था, एक पीयर ग्रुप नहीं था सो दैट कि मेरे जो भी डाउट्स आ रहे थे मैं वहाँ रिजॉल्व कर सकूँ, कोई हो मुझे बताने के लिए. So in July, I guess, I came to know about Go classes. Moreover, मैंने आपके और सचिन सर के answers Gate of Flow में पढ़े थे मैंने. मुझे पता था that you are too good. So without any thoughts, I decided I will join Go classes. एक discipline आएगा and I will learn a lot. So that time I joined classes. फिर मैंने class के according ही अपना schedule prepare किया. I used to attend live classes क्योंकि वो मुझे favor करता था. एंड आफ्टर क्लासेस जो उस दिन पढ़ा मुझे उसी दिन उसको करना है लाइक और वीक डेज पे सारा पढ़ के वीकेंड पे आई यूज टू सम अप कि जो भी मैंने वीक पे पढ़ा क्या पढ़ा. अच्छा डिस्क्रीट में पढ़ा तो अच्छा आज मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा, लॉजिक पढ़ा, आज ग्राफ थ्योरी पढ़ा, तो उसे सम अप करना था मुझे वीकेंड्स पे. दिस वे ये पूरा जर्नी कंटिन्यू होता गया. मंथ मंथ बाय बाय मंथ सब्जेक्ट्स मैंने कंप्लीट किए. आई सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हाँ वन थिंग इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइक जनरली पीपल प्रेफर कि एक सब्जेक्ट सपोज कंप्लीट हो गया देन मैं वो प्रीवियस ईयर करूँगा या करूँगी. बट वॉट आई यूज टू डू लाइक एक टॉपिक फिनिश हुआ, क्राफ्ट थ्योरी पूरी हुई, आई वॉन्ट वेट टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टू कम्प्लीट. नो आई विल डू इट राइट नाउ. अगर ग्राफ थ्योरी मेरा हो गया है, मेरे एंड से हो गया, देन आई विल सॉल्व इट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. मैं उसे बाद में डीले नहीं करती थी. So this way, I guess around November, I completed my whole subjects. एक दो टॉपिक जो थे थोड़े थे उसे मुझे रिवाइज करना था, थोड़ा अच्छे से करना था. So after November, what I made is a revision strategy. कि हाँ मुझे round robin fashion में चीजें रिवाइज करनी है. I started from C programming. और then I revised the subjects. Then I gave test series, subject test series, mock test. ये सारे दिए, खुद का एनालिसिस किया एंड दिस वे आई प्रिपेयर्ड एवरी सब्जेक्ट्स लाइक दिस वे. ओके तो आकांक्षा आप रोजाना पढ़ते थे या फिर ऐसे कंसिस्टेंसी कैसी थी आपकी, या फिर कभी जैसे कभी आपने मिस कर दिया हो, कितने आवर्स पढ़ते थे रोजाना, थोड़ा उसके बारे में बताइए. सर फ्रैंकली स्पीकिंग बिफोर कोचिंग थोड़ी कंसिस्टेंसी लैक थी मेरी क्योंकि आई वॉज लाइक मैं खुद से पढ़ रही हूँ, आज ठीक है आज नहीं हो पाया, आई विल डू इट टुमारो, तो वो थोड़ा बर्डन बढ़ रहा था. बट या ये मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे करना है. मोर ओवर वॉट आई यूज टू डू एक शॉर्ट टर्म प्लान रहता था मेरा लाइक हाँ मुझे 5 days में सपोज सी कंप्लीट करना है या मुझे 10th June तक ये सब्जेक्ट करना है, तो उससे क्या होती थी कि मुझे पता है कि एक प्रेशर है, आई हैव टू कंप्लीट इट. सो मैं अपने कंसिस्टेंसी को खो नहीं सकती थी क्योंकि मुझे फिनिशअप करना है ना. और इफ अगर ऐसा कभी बीच बीच में आता भी था लाइक इट हैपेंस कभी अप्स एंड डाउन्स रहा, तो आई यूज टू ट्राई कि आज नहीं हो पाया तो मुझे वो नेक्स्ट एक दो दिन में आज की चीज को कवर अप करना है. क्योंकि ये भी जरूरी था कि मैं पढ़ तो रही हूँ, सपोज आज मैं पढ़ने बैठी मुझे मेरा मन नहीं हो रहा या फिर थोड़ा नेगेटिविटी चल रही है माइंड में तो मैं नहीं पढ़ती थी. मैं आई यूज टू टॉक टू माई फ्रेंड्स, मैं फैमिलीज में बात कर लूंगी कि हाँ ताकि मेरा माइंड वो रिलैक्स हो सके. और जब क्लासेस स्टार्ट हुई, जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की, तब तो वो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो मिला तब तो मुझे चाके भी ब्रेक करने का मन नहीं करता था. आई वॉज लाइक नहीं वो पढ़ा रहे हैं तो मुझे तो साथ में करना है ना, एल्स मैं पीछे हो जाऊंगी, तो वो होता था. मोर ओवर आफ्टर क्लासेस आई यूज टू मैनेज की 6 hours मैं दे सकूँ मीन्स ताकि क्योंकि मुझे भी फिनिशिंग करना है सब्जेक्ट्स के, तो वो मैं करती थी. तो आपने गो क्लासेस के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैंने आपको लाइव क्लासेस के अंदर देखा है, तो क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स होते हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रीफर करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स लाइव लेक्चर्स भी प्रीफर करते हैं, तो आपकी जो प्रिफरेंस थी लाइव लेक्चर्स की उसका क्या आपको क्या रीजन लगता है, आप लाइव लेक्चर्स क्यों प्रीफर करते थे?
क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो जो लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं करते, वो सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं। आई थिंक मीन्स मुझे लाइव लेक्चर्स इसलिए प्रेफर करते थे बिकॉज लाइव लेक्चर्स आर लाइक टू वे कम्युनिकेशन, यू आर सेइंग एंड आई एम रिप्लाइंग। क्योंकि अगर मुझे क्लासेस करते वक्त कुछ डाउट हुआ, व्हाट आई विल डू, मैं उसी टाइम आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ, मे बी आप तब या फिर एल्स आफ्टर क्लास यू विल एक्सप्लेन मी दैट डाउट। बट लाइव लेक्चर्स में इट्स लाइक एक मूवी देख रहे हैं, वी आर जस्ट वॉचिंग इट। मोर ओवर मुझे ऐसा लगता था कि सपोज लाइव लेक्चर्स लाइक अ प्रॉपर शेड्यूल, मुझे पता है कि आज मेरी मॉर्निंग 6 o'clock को क्लासेस है, सो इवन इफ आई विल स्लिप 2 o'clock इन द नाइट, मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना ही है क्योंकि मुझे क्लास अटेंड करना है। तो एक डिसिप्लिन जो थी वो लाइव क्लासेस की वजह से मेरे में आती थी। जब हम रिकॉर्डेड देखते हैं तो व्हाट आई फील कि अच्छा ठीक है, आज मैंने लेट सोया, कल मैं हो गया 6 बजे से नहीं देखूंगा, मैं बाद में देखूंगा, वो एक चीज आती है। सो आई थिंक स्टूडेंट शुड प्रेफर कि वो लाइव ही अटेंड करे चीजें, एक तो वो डाउट रिजोल्व करवा पाएंगे उसी टाइम पे, मोर ओवर एक डिसिप्लिन नेचर है जो वो मेंटेन रहेगा। बिल्कुल, सो ये चीज मेरे लाइव क्लासेस के अंदर एक बेनिफिट है कि आप जैसे हम क्या करते हैं, आपको पता ही है कि क्लास जब फिनिश हो जाती है तब हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप अपना माइक ऑन करो और आप अपने डाउट पूछो। आप बेसिकली यू कैन हैव यू नो वन टू वन कन्वर्सेशन वी कैन हैव। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी स्टूडेंट के साथ 10 मिनट 15 मिनट तक मतलब जो डिस्कशन है, डाउट डिस्कशन है, वो चला है। तो वो एक बेनिफिट है लाइव क्लासेस का, राइट? Happened me often. I remember one TOC doubt we used to discuss is around 10 minutes tak wo communication chala hi tha class mein. So this happens. Aur ye benefit bhi karta hai. Bilkul, bilkul. Aur aapne notes ka kya kiya tha? Aapne khud ke notes banaye the ya fir aapne jo annotated notes hain wo aapne use kiye, to aapne uska kya kiya? Sir, along with annotated notes, I used to make myself notes because I think मेरा लिखने का वे मुझे ज्यादा हेल्प करेगा। लाइक यू हैव गिवन वन नोट्स, पैरेलली आई यूज टू मेक माय ओन नोट्स क्योंकि ये मेरी हैबिट है, मुझे उसमें चीजें ऐड ऑन करनी होती है। आपने पढ़ाया बट मैंने उसे किस वे में समझा, फॉर सपोज आपने किसी चीज को अपने लैंग्वेज में समझाया, मैंने उसे अपने लैंग्वेज में चेंज किया, कम्युनिकेट किया या चेंज किया। तो सेल्फ नोट्स होने से क्या होता है कि व्हेन आई वाज रिवाइजिंग थिंग्स मुझे वो बहुत हेल्प की थी। एनोटेटेड नोट्स आर गुड बट खुद के सेल्फ नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स, समरी, वो सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं। तो प्रॉपर सेल्फ नोट्स तो होना ही चाहिए, मैंडेटरी है, आई थिंक सो। कितने डिटेल्ड नोट्स आपने बनाए? जैसे आपने ऐसे सब कुछ लिखा अपने नोट्स में, यू नो हर चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, या फिर आपने ऐसे ब्रीफली लिखा? तो नोट्स आपने किस तरह से बनाए? क्योंकि ये स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे होने चाहिए, दैट इज अ वेरी कॉमन डाउट, तो आप थोड़ा सा बताइए। सर मेरा तो था कि आई यूज टू राइट थिंग्स इन डिटेल, मतलब मुझे ऐसा था कि बाद में इफ आई एम रेफरिंग इट इवन 2 years 3 years आफ्टर मुझे वो रेफर करना है तो वो मुझे प्रॉब्लम ना होगी, अच्छा कहाँ से किया मैंने, क्या पढ़ा था। सो आई यूज टू ऐड ईच एंड एवरी डिटेल्स, स्मॉल टू स्मॉल डिटेल्स, लाइक समथिंग यू वर टेलिंग अस, आप वो हमें पढ़ा रहे हैं, आपने वो नोट्स में ऐड ऑन नहीं किया बट आप वो बोल रहे हैं, सो आई यूज टू राइट इट ऑल्सो बिकॉज मुझे पता है आपने बोला है तो वो इम्पॉर्टेंट है, सो आई यूज टू एड इट ऑल्सो। मोर ओवर जैसे अगर मैंने बुक्स पढ़ा, मैंने कोई ऐसे सेंटेंस पढ़ी या ऐसा कोई लाइन पढ़ा जो आई थिंक की इम्पॉर्टेंट लग रही है या आ सकती है, तो आई यूज टू एड इट। सो मैंने तो काफी अच्छी नोट्स बनाई थी, मतलब काफी डेप्थ में बनाई थी वो नोट्स, तो मेरा तो ऐसा था। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप आपके अगर डिटेल नोट्स आपने बनाए तब तो बहुत सारी नोटबुक्स आपने भर दी होंगी। यस सर। ओके, तो आप अपने नोट्स की फोटो शेयर कीजिएगा, मैं ताकि स्टूडेंट्स को मैं हम दिखाना चाहेंगे कि देखो कितनी मेहनत लगती है गेट गेट एग्जाम क्रैक करने में, उस मेहनत का ही नतीजा है बेसिकली, उस मेहनत की वजह से ही इतनी अच्छी रैंक आपकी आई है ना। तो आपको कभी ऐसा डिमोटिवेटेड फील नहीं हुआ कि कभी ऐसा फील आया होगा यार नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा, को कभी मतलब लो पॉइंट आया हो? देन हाउ डिड यू बेसिकली मोटिवेट योरसेल्फ, हाउ डिड यू कीप गोइंग? लो पॉइंट सर ये कॉमन था, आई गेस इट हैपेंस विद एवरीवन, अगर नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है, आ रहा है देन इट्स ओके, बिकॉज ये लो पॉइंट ही हमें पुश करते हैं दैट आई हैव टू गो बियॉन्ड माय कंफर्ट जोन।
So generally, I remember in December month what happened with me was कि इतना down हो गया था मेरा motivation कि I called my best friend and I told her यार I am leaving अब मुझसे नहीं होगा I ruined everything अब ये end हो गया I will just take admission from previous that score card नहीं होगा so that time it happens moreover I remember कि BRC के बाद भी थोड़ा ऐसा था then I contacted Sachin sir he motivated me कि नहीं ये life का part है एक के बाद एक सक्सेस आएंगी थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे सो इन केस ऐसा अगर मुझे फील होता था तो व्हाट आई यूज्ड टू डू मैं रिमेम्बर करती थी कि मैंने ये जर्नी स्टार्ट क्यों की लाइक क्या क्या चीज मैं इतने टाइम से मिस कर रही हूँ कैसे फैमिली गैदरिंग्स मीटअप्स ये सारी चीजें मैं मिस कर रही हूँ टू हैव टू अचीव समथिंग और मैं जनरली क्या कर रही थी मीन्स ये मेरा चीज था कि मैं यूट्यूब खोलती थी और जो भी मेरा प्रेफर्ड कॉलेज था या मेरा ड्रीम कॉलेज या लाइफस्टाइल था मैं वहाँ के वीडियोस या लाइफस्टाइल को देखती थी वहाँ के लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ती थी तो ऑटोमेटिकली वो डिमोटिवेशन दूर हो जाता था आई यूज टू थिंक मुझे भी ऐसे ही जाना है मुझे भी ऐसी वीडियोज देनी है बनानी है सो ये मुझे हेल्प करती थी अपने डिमोटिवेशन को कम करने के लिए तो गेट एग्जाम के लिए आपने अपना एनालिटिकल स्किल्स आपने कैसे इम्प्रूव किया क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है गेट एग्जाम में बहुत नए नए क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हैंडल करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए तो वो इम्प्रूव आपने कैसे की सर एज एवरीवन नो कि मोरओवर 2021 से जब से एमएसक्यू आया है तब तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है सो आई यूज टू गिव लॉट्स ऑफ टाइम व्हाइल इन सॉल्विंग क्वेश्चंस मैंने एनपीटीएल के क्वेश्चंस किए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेट के काफी बार किए और व्हाट आई यूज टू डू कि मैं सारे अप्रोचेस को देखती थी कि अच्छा इस वे में कर सकती हूँ क्या मैं इस वे में कर सकती हूँ जब बहुत सारे नहीं होने के बाद कि मैं सॉल्यूशन देखती थी यानी कि अगर मैंने पहली बार अटेम्प्ट किया वो नहीं हुआ तो अच्छा ठीक है सॉल्यूशन तो दिया है किसी ने तो वो चीज नहीं होना चाहिए बिकॉज हम अगर किसी का सॉल्यूशन देखते हैं तो वो होते कि वो तो उसका वे था सॉल्व करने का मैंने कुछ गेन नहीं किया ना सो आई थिंक मुझे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हेल्प की वो ये की कि मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए जो अपने अप्रोचेस देखे मोर ओवर One thing that I preferred is ki doubts solve karna. In months of November, December to January, जो भी गेट और फ्लो में ऐसे कोई डाउट पोस्ट करता था या भी इवन इन ग्रुप कोई पोस्ट करता था आई ट्राइड कि मैं उसे सॉल्व कर सकूँ अगर मैं उस टाइम ऑनलाइन नहीं रही या मैंने नहीं देखा किसी और ने कर दिया फिर भी आई यूज टू डू इट कि मुझे मेरे लेवल पे करना है दो बेनिफिट्स थे एक तो मेरी स्किल्स डेवलप हो रही थी सेकेंड चीज इज कि इफ मुझे किसी की डाउट बतानी है मुझे पहले वो चीज आनी चाहिए देन ओनली मैं दूसरे को बता सकती हूँ मोर ओवर आई मस्ट बी रेडी कि अगर मैंने किसी का डाउट एक्सप्लेन किया है तो वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा ही करेगा सो वो दो चीज मुझे डाउट रिजोल्व करने में हेल्प कर रही थी ये आपने बेस्ट पॉइंट बोला है क्योंकि अगर हम किसी का डाउट सॉल्व करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होती है और वो कॉन्सेप्ट हमें काफी लंबे टाइम तक याद रहता है तो ये कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि दूसरे का डाउट सोल्व करना है यार क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं तो एक्चुअली दूसरे का डाउट सोल्व करना एक अच्छी चीज है मैंने खुद किया है जब मैं गेट की तैयारी मैं करता था अपने टाइम में तो मैं गेट और फ्लो के ऊपर मेरा कंट्रीब्यूशन था मैं गेट और फ्लो में तो दिन रात में यूज करता था और वहां पे आपने देखा होगा मेरे आंसर्स भी हैं काफी सारे आंसर्स भी हैं जब मैं एस्पिरेंट था तब मैंने वो आंसर्स लिखे थे तो वो जो कंट्रीब्यूशन है उससे खुद की नॉलेज बढ़ती है जिसका आप डाउट सॉल्व कर रहे हो उसकी तो हेल्प होती है लेकिन सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो खुद की नॉलेज खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो वो एक आपने काफी अच्छा पॉइंट आपने बोला आपको गो क्लासेस ग्रुप ने आप जो हमारा जो व्हाट्सएप के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर हमारा जो ग्रुप है उसने आपको कैसे हेल्प किया आपको कोई भी डाउट आया तो क्योंकि फैकल्टी मैं खुद अवेलेबल था सचिन भी अवेलेबल थे अर्जुन सुरेश सर गेट और फॉर फाउंडर तो वो भी वहां पे अवेलेबल थे आपको मेंटर करने के लिए तो आपको आपको ग्रुप ने कैसे हेल्प किया आपके डाउट रिजोल्यूशंस में सर
इन कॉन्सेप्ट्स और इन क्वेश्चंस कभी भी ऐसे डाउट रहते थे. सो मुझे किसी रेंडमली ग्रुप को सर्च नहीं करना पड़ता था कि अच्छा ये डाउट आया तो मैं कहाँ पोस्ट करूँ. वी हैव अ डेडिकेटेड ग्रुप जहाँ आप लोग खुद ही एक्टिव रहते थे. सो वॉट आई, और मुझे हेजिटेशन भी नहीं होती थी कि अरे ये तो बेसिक है या फिर ये मैंने पूछा तो यू विल से कि अरे ये तो पढ़ाया था. आई मतलब बिना कुछ सोचे आई विल पोस्ट दैट डाउट. मोर ओवर आपने देखा, सर ने देखा, देन यू विल हेल्प, या फिर किसी स्टूडेंट्स ने देखा तो स्टूडेंट्स भी equally participate कर रहे थे. I even remember 10 to 15 students were active. Like सब अपने अपने responses देते थे. Even अर्जुन सर भी, वो भी हमें आके गाइड करते थे. वो क्रॉस क्वेश्चन भी करते थे लाइक इफ यू आर थिंकिंग देन व्हाई यू थिंक फॉर दिस, मतलब तुम्हें ऐसा क्यों लगा. सो इट हेल्प मी अलॉट. इवन आई रिमेम्बर कि आई यूज टू आस्क यू पर्सनली ऑल्सो कि सर ये कैसे होगा, जैसे इफ आई थिंक कि अभी ग्रुप में नहीं पूछ पा रही मैं. सो पर्सनली भी मैंने पूछा. इवन इन मिड नाइट हम टाइम नहीं देखते थे, वी लाइक हम सिर्फ पूछ लेते थे क्या टाइम हो रहा है क्या हो रहा है, नहीं हमें पता कि रिस्पॉन्स मिल जाएगा. सो इट हेल्प्ड मी अ लॉट. ऐसा कभी नहीं रहा कि डाउट मेरे अंदर रहा और वो रिजॉल्व ना हुआ. अर्जुन सर का एक्चुअली फेवरेट क्वेश्चन है, आप कुछ भी डाउट आप पूछोगे तो वो बस एक ही रिप्लाई करेंगे कि आपने इसको सॉल्व करने के लिए क्या ट्राई किया. बेसिकली वो आपको पुश करते हैं, वो आपको पुश करते हैं कि आप अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करो, और जब आप एकदम अटक जाओ, व्हेन यू गेट स्टक, ओके, तब आप हमें बताओ कि वेयर डिड यू गेट स्टक, वहां से हम आपको निकालेंगे. तो वो स्टूडेंट को पुश करते थे कि स्टूडेंट खुद ही लर्निंग करे, उससे बहुत ज्यादा स्किल्स इंप्रूव होते हैं स्टूडेंट के. तो आकांक्षा, आपने प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस को कितनी अहमियत दी, कितना इम्पोर्टेंस आपने उनको दिया? सर अ लॉट. लाइक सिंस 21 में मैंने देखा था कि इट्स नॉट गुड टू इग्नोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. वॉट वी पीपल जनरली डू इज हम रेंडमली टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते रहते एंड वी इग्नोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. बट एक्चुअली इट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमें गेट का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं. मोर ओवर इट गिव्स अस एक्चुअल कि किस तरीके से चीजें होंगी. सो दिस टाइम आई प्री डिसाइडेड कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो अच्छे से टाइम देना है. वॉट एवर सब्जेक्ट, कोई TOC हो, डिस्क्रीट हो, OS हो, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर टॉपिक के मुझे करने ही करने. सो वॉट आई डिड वॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड, एक टॉपिक कम्प्लीट होता था, देन आई यूज टू कम्प्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम होता ये था कि सम क्वेश्चन आर देयर जो वन गो में ही बन जाते थे, देखा और हाँ अच्छा ये अप्रोच रहेगा. कुछ क्वेश्चन थे जो सॉल्व करने पर थोड़ा टाइम लगते थे, एंड सम क्वेश्चन वेयर देयर जो कि नहीं होते थे सबके साथ, ऐसा कि वो क्वेश्चन नहीं क्लिक करते थे. सो आई यूज टू मार्क, मेरे पास गेट ऑफ फ्लो की प्रीवियस ईयर बुक थी, मोर ओवर साइट्स में भी क्वेश्चन थे, तो आई यूज टू बुक मार्क देम. मैं वहाँ पे एड ऑन कर देती थी कि हाँ सपोज क्वेश्चन 1 to 10 में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे बिल्कुल नहीं हुए, देन आई विल यूज टू एड ऑन कि हाँ ये क्वेश्चन में मुझसे नहीं बना पहली बार में, या ये न्यू कॉन्सेप्ट हैं जो इस क्वेश्चन में है. सो एज की जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ, रिवाइज करूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो मुझे वो उस क्वेश्चन को देखते ही याद आ जाए कि हाँ ये आई वाजंट एबल टू सॉल्व, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं तो स्मार्ट वर्क भी इम्पोर्टेंट होता है. सो मैं वो साथ में मार्क करते जाती थी कि हाँ ये मुझसे तब नहीं हुआ इसमें, या ये इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक था जो उन्होंने मेंशन किया था, या ये अच्छा क्वेश्चन था जो आउट ऑफ द बॉक्स आया था. तो दिस वॉज माई कम्प्लीट स्ट्रैटेजी वाइल सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए गेट ऑफ फ्लो को आपने कैसे यूज किया, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर मल्टीपल आंसर्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, डिस्कशंस हैं, बहुत सारे टॉपर्स ने भी कमेंट्स लिखे हुए हैं. प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स हैं उनके भी आपको कमेंट्स मिलेंगे वहां पे, उनका डिस्कशन मिलेगा. तो आपने उसको कैसे यूज किया, आपने सारे आंसर्स पढ़े या फिर सिर्फ बेस्ट सेलेक्टेड आंसर पढ़ा या फिर कमेंट्स भी पढ़े, आपने क्या किया? सर आई यूज टू रीड होल कमेंट भी पढ़ती थी मैं, डिफरेंट आंसर्स भी पढ़ती थी, क्योंकि समवेयर ऐसा होता था कि सपोज एक क्वेश्चन है, आपने भी आंसर किया, मैंने भी आंसर किया, मे बी योर आंसर विल बी द बेस्ट आंसर, बट हो सकता है कि मेरे आंसर में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो कि मे बी
किसी और क्वेश्चन में वो हेल्प करे. सो मैंने तो मल्टीपल आंसर्स भी पढ़ता था, इससे ये भी पता चलता था कि कोई क्वेश्चन को किस वे में नहीं अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कोई आंसर्स ऐसे भी होते हैं जो कि लेंदी होते हैं या मे बी अनरिलेवेंट होते हैं एग्जाम टाइप पे, उससे हम अप्रोच नहीं कर सकते. सो आई थिंक जब हम गेट ओवरफ्लो पे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो कमेंट्स को, लोगों के डिस्कशंस को पढ़ना चाहिए, बिकॉज उससे हमें भी एक विजन मिलता है कि लोग कैसे कैसे वे में सोच सकते हैं, हम कैसे वे में सोच रहे हैं. सो दिस वॉज माई अप्रोच. बिल्कुल बिल्कुल. आपने कोई टाइम लिमिट रखी थी प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम? क्योंकि मैं मुझे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैंने प्रीवियस ईयर का वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मैं, और बहुत टाइम लग गया, 20 मिनट लग गए, तो सर मुझे टेंशन हो रही है कि गेट एग्जाम के अंदर है ना, 20 मिनट कैसे लगाऊंगा मैं. तो जब आप प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आपने कोई टाइम लिमिट रखी थी? आपने कोई टेंशन ली थी कि मेरे को यार 10 मिनट लग गए इस क्वेश्चन में? सर इनिशियली टाइम लिमिट का मैंने कोई ऐसा प्रेशर नहीं रखा था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि फर्स्ट आई हैव टू ब्रिंग दैट एक्यूरेसी. एक बार एक्यूरेसी आएगी तो टाइम मैनेज हो ही जाएगा. सो स्टार्टिंग में मैंने क्या कि नहीं, पहले मुझे अगर पूरा दिन भी लग रहा है ना उस क्वेश्चन को सोचने के लिए, तो मुझे लगाना है, क्योंकि अभी तो मेरा पर्पस चीजें सीखने का है ना. इफ मैं टाइम लिमिट रख के करूंगी तो मैं सीख नहीं पाऊंगी. सो मैंने ऐसे टाइम का कभी प्रेशर नहीं रखा. हाँ, विथ टाइम पीरियड जैसे जैसे एग्जाम के डेज पास आने लगे, तो वो जो टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना था वो हैबिट खुद में डेवलप हो गई. सो स्टार्टिंग में ऐसा टाइम प्रेशर तो मैंने नहीं रखा था कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो नहीं, आई हैव टू सॉल्व इट इन 5 मिनट्स ओनली. अगर आधे घंटे भी लग रहा है तो लेट इट, मुझे अभी सीखना है, ये मेरा प्लान था. तो आपने शॉर्टकट्स को प्रेफरेंस दी जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे गेट एग्जाम के अंदर? आप शॉर्टकट लगाओ, बिल्कुल लगाने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है. गेट एग्जाम में अगर आप फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप एन की वैल्यू 1 या 2 आप रख दो, तो उससे ना कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और आपका आंसर आ जाता है कि ऑप्शन ए इज द आंसर. तो वो गेट एग्जाम के अंदर तो ठीक है, ओके, मॉक टेस्ट के अंदर भी वो ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन डिड यू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय दीज शॉर्टकट्स, और डिड यू डू द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस लाइक वी डू इन आवर गो क्लासेस लेक्चर्स? नो सर, शॉर्टकट्स इस ओके, बट वो मतलब का नहीं. अगर व्हाट इफ क्वेश्चन दे ट्विस्टेड सम क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिए तो शॉर्टकट्स आर ऑफ नो हेल्प. सो आई यूज्ड टू डू कंप्लीट एनालिसिस. लाइक आई रिमेम्बर टेकिंग टीओसी, उसकी डिसाइडेबिलिटी और क्लोजर प्रॉपर्टी के एक वे होते कि हम आप क्लोजर प्रॉपर्टी को रट ले रहे हैं, सारे टेबल को मेमोराइज करें. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई डिड इन गेट 21. मैंने वही किया था, बट इन एग्जाम जब उन्होंने क्वेश्चन ट्विस्ट की, आई वाजंट एबल टू सॉल्व. बट दिस टाइम आई डिसाइडेड, बिकॉज मैंने टीओसी के लेक्चर्स अटेंड किए थे, तो आई वॉज नोइंग कि हाँ, इफ आउट ऑफ द बॉक्स वो मुझसे पूछते हैं तो भी आई वॉज एबल टू सॉल्व, क्योंकि मुझे पता था कि अगर वो प्रॉपर्टीज आ रही हैं तो वो कैसे आ रही है, मोर ओवर कैसे एग्जाम्पल्स लेके मुझे अप्रोच करना है. दैट्स द रीजन कि इस बार टीओसी में आई डिडंट एनी मिस्टेक, एक भी मिस्टेक नहीं है. वो सारे क्वेश्चन वो एनालिसिस ही थे जो मैंने अपने प्रिपरेशन में किए, तो वो गेट एग्जाम में मुझे हेल्प किए. सो आई डोंट थिंक कि किसी को शॉर्टकट प्रेफर करना चाहिए. हाँ, तुम्हें हो उसका आइडिया हो, बट प्रेफर कि तुम एनालिटिकली क्वेश्चंस को अप्रोच करो अपने प्रिपरेशन जर्नी में. बिल्कुल, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पूरा एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंप्लीट एनालिसिस करते हो तो शॉर्टकट तो अपने आप बन जाते हैं. शॉर्टकट बनाने के लिए कोई मेहनत तो लगती नहीं है, कोई ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है शॉर्टकट के लिए. अगर आपको जैसे एक बहुत ही कॉमन सी चीज है स्टूडेंट्स के अंदर कि जो डिसाइडेबिलिटी की टेबल है, पॉपुलर सी टेबल है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं उस टेबल को रट लेते हैं, ठीक है. तो अब उस टेबल को रटने के लिए आपको कोई दिमाग तो चाहिए नहीं ज्यादा, है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, लेकिन उस टेबल को रटने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि गेट के अंदर वो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, थोड़ा ट्विस्ट आ सकता है, तो अगर आपने टेबल रटी हुई है तो वो क्वेश्चन आपसे सोल्व होगा नहीं. तो इसीलिए हमने मेक श्योर किया कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आराम सही से पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो, रट के मत पढ़ो. आप उसका आइडिया देखो, आप उसका प्रूफ देखो, ठीक है. तो वो जो चीज है वो हमने डिसाइडेबिलिटी में भी करी, हर सब्जेक्ट में वो चीज हमने करी है कि हर चीज हमने एकदम कंप्लीट एनालिसिस के साथ, हमने ऐसा नहीं कि ओके ये टेबल रट लो, ये फॉर्मूला रट लो, ऐसा नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. तो आपने मॉक टेस्ट कब स्टार्ट किए देना? सर इन दिसंबर मंथ, ओके, बिकॉज़ मेरा
21 के एक्सपीरियंस रहा है कि ब्लाइंडली लॉट्स ऑफ टेस्ट देने से भी हेल्प नहीं होता है. इफ आई मेरे पास कंसेप्ट का नॉलेज ही नहीं है एंड आई एम ब्लाइंडली गिविंग टेस्ट, हाँ सारे टेस्ट मैं दिए जा रही हूँ, तो इट वॉन्ट हेल्प मी, वो कुछ मतलब का नहीं है. सो दिस टाइम माई फोकस वॉज कि पहले मुझे चीजें सीखनी है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, गेट को के क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देना, देन आई विल गिव मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बट फर्स्ट एक कंसेप्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए. सो इन दिसंबर अराउंड 10 आई स्टार्टेड गिविंग मॉक टेस्ट. आपने कितने मॉक टेस्ट दिए? सर आई गेस अराउंड 16 टू 20 इसी के अराउंड थे, उससे ज्यादा मैंने नहीं दिए थे. तो 16 टू 20 आपने 2 महीने में दिया. आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी थी, कि आप हर दिन मॉक टेस्ट दे रहे थे या फिर फ्रीक्वेंसी कैसी थी? सर इन दिसंबर हेलो आकांक्षा, आई थिंक सम इंटरनेट प्रॉब्लम. एम आई ऑडिबल आकांक्षा? ओके, तो आकांक्षा वन क्वेश्चन, हाउ डिड गो क्लासेस हेल्प यू ओवरऑल, जैसे डाउट डिस्कशन में या फिर जैसे अगर अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग में या फिर टू कीप यू मोटिवेटेड ओवरऑल, कैन यू गिव सम ओवरव्यू ऑफ हाउ डिड गो क्लासेस हेल्प? सर बेसिकली एक शॉर्ट टर्म में अगर मैं आंसर करूँ तो सबसे अच्छा कि जो एक लर्निंग जर्नी होती है, आई एंजॉय दिस होल जर्नी अलॉट, और इफ समवन इज एंजॉयिंग अ जर्नी, मतलब उसे सच में वो चीज़ बहुत अच्छी लगी. सो वॉट एग्जैक्टली हैपेंड, जब मैंने क्लासेस ज्वाइन की तो फ्यू जैसे कुछ क्लासेस मैंने अटेंड की ना, आई रियलाइज कि कितना सारा एक तो नॉलेज गैप था जो मुझ में था, मोर ओवर आई वॉज एट नोइंग कि इस सब्जेक्ट को इस कॉन्सेप्ट को इतने बेटर वे में भी पढ़ सकते हैं. लाइक जैसे लेटेस्ट ही हम पढ़ रहे हैं, जैसे पार्शल ऑर्डर सेट पढ़ रहे हैं, एक्चुअली वो आया क्यूमन उसका रियल लाइफ क्या रिलेशन है, वो सब हमने क्लासेस ज्वाइन करने के बाद जानी. मोर ओवर एल्गोरिदम्स, सचिन्स्टर यूज टू रिलेट एल्गोरिदम्स, वो अगर पढ़ाते थे तो सिर्फ ये नहीं कि हाँ ऐसे होता है ये, इफ तुम्हें उन्हें बेलमन फोर्ड दिया तो वो ऐसे अप्लाई करते, उनका अप्रोच सिर्फ वो नहीं होता था, ही यूज टू टेल अस कि वो एल्गोरिदमिक अप्रोच क्या होता है, कैसे स्टार्टिंग से हमें सोचना है, वो एल्गोरिदम्स निकल के कैसे आए. सो जो क्लासेस होती थी वो बहुत इंजॉयबल होती थी. सेम इन ऑपरेटिंग सिस्टम TOC की क्लासेस, व्हेन यू यूज टू टीचर्स एनीथिंग, लाइक अगर आप हमें PDA पढ़ा रहे हो, देन यू विल टेल अस कि ये जो डेफिनेशन है ये सिप्सर में दिया है, ये डेफिनेशन है ये मैंने कोजन से उठाया है, ये डेफिनेशन मैंने इस बुक से रेफर किया है. सो इससे क्या होती थी, वन थिंग हमें ऐसा नहीं लगता था कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, हमें एक रेफरेंस मिलता था. मोर ओवर एक जो बुक रीडिंग स्किल्स होती है ना, जब आपके टीचर आपको बताए कि आई हैव लर्न दिस फ्रॉम दिस, मैं यहाँ से तुम्हें बता रहा हूँ, तो वो हमें भी आता है कि हाँ हमें भी वहाँ से रेफर करना चाहिए क्योंकि वो उसमें ऐसा दिया है. सो वो दो चीज इनहेंस हुई. मोर ओवर इन ग्रुप टाइम टू टाइम जो डाउट डिस्कशंस होते थे, आई रिमेम्बर कि किसी ने भी पोस्ट किया, सो जनरली एवरीवन यूज टू गिव देयर रिस्पॉन्सेज कि हाँ मैं ऐसा सोच रहा हूँ, यू गिव टू योर रिस्पॉन्स कि हाँ मैं तुम लोग ऐसा अप्रोच करो, यू डोंट कि हाँ किसी ने क्वेश्चन पूछा आपने हाँ ये सॉल्व करके बता दिया हो गया. आपका अप्रोच ये रहता था कि हम पहले अपने लेवल पे सोचें कि हाँ यू गिव अस हिंट कि अच्छा ऐसे सोच के देखो तो ऐसे होता है क्या, तो वो हमें ना एक सोचने की स्किल्स डेवलप की, तो वो चीज़ बहुत हेल्प किया, डाउट में बहुत हेल्प हुआ. हर कंसेप्ट को लाइक कोई भी कंसेप्ट हो उसको हमने डिफरेंट वे में पढ़ा. लाइक यू यूज टू गिव अस लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल्स हो जाते थे कि फिर वो एग्जाम्पल से ही कंसेप्ट हमेशा याद रहेगा. आई रिमेम्बर कि व्हेन आई क्रैक्ड BRC एंड आई वेंट देयर फॉर इंटरव्यू, मैंने कोई स्पेशली प्रिपरेशन नहीं की थी इंटरव्यू की, बिकॉज आई वॉज
कि वॉट एवर आई हैव लर्नड इन क्लास वही मुझे वहाँ हेल्प करेगी. सो वॉट एवर दे आस्क्ड मी इन टीओसी, वॉट एवर दे आस्क्ड मी इन सी और डीएस, जो मैंने पढ़ा था उसी नॉलेज को मैंने वहाँ अप्लाई किया. सो जो वहाँ मुझे जो कॉन्फिडेंस आया वो सब इस क्लासेस के थ्रू ही आया था. सो गो क्लासेस तो ने helped me a lot, चाहे वो टेस्ट को लेके हो, डाउट हो. Moreover, even I remember कि in between classes हमें motivation चाहिए होती थी. So you people give to मतलब आप लोग अपने ISC के experiences हमें share कर रहे थे. You tell us कि हाँ तुम अगर कर लोगे तो how your life will change, कैसे कैसे तुम्हारी life change होगी, क्या achievements मिलेंगे. So वो चीज़ हमें ना motivate करती थी. Because if we see someone जो just वहाँ उस phase से निकला हो तो हमें ज़्यादा motivation मिलता है कि हाँ हमें भी उस phase में जाना है जहाँ से सामने वाला person आया है. So, ये सारी चीजें हमें गो क्लासेस से बहुत अच्छे से मिली थी. ऐसा नहीं था कि हम किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो हमें डाउट पूछने में डर लग रहा हो. इट वाजंट लाइक दैट. हम फ्रीली पूछ सकते थे. यू आर लाइक आवर सीनियर्स की हाँ, जो हमें हर टाइम गाइड करने के लिए रेडी रहते थे. ओके, थैंक यू आकांक्षा. तो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सर राइट नाउ दे आर टू एग्जाम्स, वन इज BRC एंड देन IIIT हैदराबाद. सिंस IIIT हैदराबाद इज अ गुड इंस्टीट्यूट ऑल्सो, सो आई एम प्लानिंग कि एग्जाम्स उसके भी अच्छे से. मोर ओवर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रिसर्च MS इन IITs, देन IIITs ऑल्सो. लेट्स सी, लाइक आई एम नाउ आई विल अप्लाई फॉर काउंसलिंग कि क्या प्रोसेस होता है. मोर ओवर दे आर गोइंग टू हैव इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट. सो सिंस आई हैव read these concepts, so I know ki interview bhi kafi acche se ho hi jayenge. Means ye confidence hai. Ek baar aapka aapne message kiya tha group pe, mujhe yaad hai, jahan pe aapne ye likha tha ki sir exam kaisa jayega, result kaisa aayega. Ab usse wo to ab uski tension nahi hai kyunki itni learning hui hai ki kaisa bhi exam jayega to jo knowledge jo mila hai, basically jo understanding mili hai concepts ki, वो आपने और जो आपका आपने बोला था कि एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव हुए हैं और स्टैंडर्ड बुक से डर लगना बंद हो गया है, आपने ये लिखा था. यस सर. तो स्टैंडर्ड बुक से बहुत स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा ऐसा डर लगता है, जबकि स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को प्रीफर करना चाहिए, रेफर करना चाहिए. हमने तो मेरे ख्याल से हर टॉपिक के अंदर ना 3 या 4 अलग अलग स्टैंडर्ड रिसोर्सेज के स्क्रीनशॉट हम लगा देते हैं ताकि स्टूडेंट को हमने एक्सप्लेन कर दिया, स्टूडेंट समझ भी गया, फिर भी स्टूडेंट अगर उन 3-4 स्क्रीनशॉट्स को जो कि एज इट इज स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से हमने लिए हैं, तो उसको स्टूडेंट को फील आता है कि मैंने ये टॉपिक स्टैंडर्ड रिसोर्स से भी मैंने पढ़ लिया, वो भी 3-4 स्टैंडर्ड रिसोर्स मैंने एक साथ पढ़ लिया. तो वो एक जो कॉन्फिडेंस है लर्निंग का बेसिकली, तो वो एक अच्छी बात है. तो आकांक्षा अभी मैं अपना वीडियो टर्न ऑफ करता हूँ, ठीक है. आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप अपनी तरफ से मैसेज दीजिए, दिल खोल के आपको जो भी उनको बोलना है, जो आप उनको अगर कुछ बोलना चाहते हो कि ये गलती मत करो या फिर ऐसे करो वैसे करो, ठीक है, जो भी दिल खोल के फ्यूचर एस्पिरेंट्स की हेल्प हो, ठीक है, इसलिए आप उनको मैसेज दीजिए. मैं अपना वीडियो टर्न ऑफ करता हूँ. इट्स ऑल यू नाउ. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी कोई जो भी इस जर्नी को स्टार्ट कर रहा है या है उसमें या करने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ट्रस्ट योर सेल्फ. दुनिया क्या कहती है, व्हाट एल्स पीपल थिंक कि तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इट्स डिफरेंट. यू ट्राई योर सेल्फ, अपने पे भरोसा रखो, अपने एंड पे एक जो फोकसनेस होती है ना वो लेके आओ. और इट्स अ जर्नी, ये कोई एक या दो मंथ की जर्नी नहीं है. सो दैट यू विल थिंक कि हाँ हमने पढ़ लिया या कर लिया तो हो जाएगा. इट नीड्स 3 things, तुम्हारी कंसिस्टेंसी चाहिए, इट नीड्स योर डेडिकेशन, और 3rd thing लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइसेस. एज हम सबको पता है व्हेन वी वांट टू अचीव समथिंग बिग, सो वो सेक्रीफाइसेस हमें देनी है. So if you have chosen ki I have to give a GATE exam, I want to get into IITs, mujhe ek proper life chahiye, so ab wo focusness tum rakho, give sacrifices. Moreover it's okay that you won't get it in first attempt, you go for second attempt or third attempt. The best thing that is important ki tumne apni galti se kya kya seekha aur usse kaise
रिड्यूस करके आगे तुम देख रहे हो. नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से कि थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी किसी भी सब्जेक्ट को या टॉपिक को इग्नोर नहीं करो. इफ हाँ टॉपिक इग्नोरेंस इज ओके, इफ कुछ समझ नहीं आ रहा, यू हैव ट्राइड अलॉट, देन इट्स ओके. बट डोंट लीव एनी सब्जेक्ट कम्प्लीटली, गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू एवरी सब्जेक्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वॉट हमें ऐसा करना है कि पहले तो एक माइंड सेट रखो, व्हाई आई एम डूइंग दिस, देन जस्ट मेक अ रोड मैप कि मुझे कैसे कैसे चीजें फॉलो करनी है, किस टाइम पे मुझे क्या करनी है. थर्ड थिंग इज स्टार्ट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, खुद पे ट्रस्ट करो, बिलीव योर सेल्फ, बिलीव योर प्रिपरेशन. टेस्ट सीरीज में मार्क्स क्या आ रहे हैं, क्या पीपल व्हाट पीपल आर सेइंग, कोई तुमसे ज्यादा आगे जा रहा है, तुम्हें लग रहा है यू वॉन्ट गेट अप टू दैट लेवल, इग्नोर ऑल दिस थिंग्स. तुमने लेट से स्टार्ट किया, देन ऑल्सो यू विल बी एट दैट पॉइंट. बस वो है कि तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, मे बी सामने वाले से ज्यादा, बट इट्स ओके. सो ट्रस्ट योर सेल्फ. फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इस फेस को रियली इंजॉय करके पढ़ो. जो भी तुम पढ़ रहे हो, जिससे भी लर्न कर रहे हो, उनसे इंटरेक्ट करके पढ़ो. इफ तुम्हारे अंदर फोकसनेस है, यू रियली वॉन्ट टू अचीव समथिंग, और तुम्हें एक प्रॉपर मेंटरशिप मिल जाए, देन यू विल श्योरली गोना एक्सेल. जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ. दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू. और यार अगर ड्रीम देखा ही है तो वो अचीव हो गए. लाइक मैंने प्रिपरेशन टाइम पे ऐसे ही वीडियोज देखा था कि हाँ पीपल यूज टू अचीव, और उनके ऐसे वीडियोज आते हैं, हाउ दे विल फील दैट टाइम, उन्हें कैसी फीलिंग्स होती है. राइट नाउ आई एम इंजॉइंग दैट फीलिंग. वो फीलिंग्स क्या होती है और वो कैसा फील होता है जब सेम क्वेश्चन जो मैं देखती थी दूसरों को पूछते हुए, आज वो मुझसे पूछे जा रहे हैं. सो यू विल ऑल्सो डू द सेम. आप भी कर सकते हो, बस अपने आप में ऑनेस्ट रखो. जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ. ये दिस मच मैं सबको बोलना चाहूंगी, कोई भी एस्पिरेंट हो, किस भी फेज में हो. और फेलियर से डरना तो बिल्कुल भी नहीं है. प्रेशर है, फेलियर आ रहा है, इट्स ओके. वही तो तुम्हें लर्न करने में हेल्प करता है. सर दिस मच आई वॉन्ट टू से. ओके आकांक्षा, सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर गाइडिंग स्टूडेंट्स. फ्यूचर के अंदर जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम योर जर्नी. ओके, एंड वी आल्सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. वी विश यू मोर एंड मोर सक्सेस. एंड मैंने एक बात बोली थी, जब गेट की एग्जाम हो गई थी तो मैंने ग्रुप पे जो हमारा जो 2022 का जो ग्रुप है उसके ऊपर आपको याद होगा मैंने बोला था कि इस ग्रुप को छोड़ने की जरूरत नहीं है. आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद भी अगर आपको कुछ भी अगर हेल्प चाहिए हो, गो क्लासेस इज ऑलवेज फॉर यू. वंस यू आर गो क्लासेस स्टूडेंट, यू आर ऑलवेज अ गो क्लासेस स्टूडेंट. तो अभी भी जैसे आप उस ग्रुप पे हो, आज भी उस ग्रुप पे एक्टिविटी होती रहती है. कुछ स्टूडेंट जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वहाँ पे डाउट पूछते रहते हैं, तो इसलिए वी आर ऑलवेज विद यू. ठीक है, अगर आपको फ्यूचर में कभी भी किसी एग्जाम, इंटरव्यू या फिर कोई जॉब, कंपनी प्लेसमेंट, एनीथिंग, इफ यू थिंक गो क्लासेस कैन हेल्प यू और गेट आउट फ्रॉम, लाइक अर्जुन सुरेश सर, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, सचिन हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री फील्ड, सो ओके यू कैन अप्रोच अस, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू. ओके आकांक्षा, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. ओके थैंक यू. यस सर, थैंक यू सो मच सर.